मित्रों, प्रवासी मजदूरों की भी मैं बात करना चाहता हूं। देश भर से प्रवासी मजदूरों का तांता अपने राज्यों में जाने के लिए लगा। देश भर में हमने लगभग 4300 ट्रेनों के माध्यम से 1.25 करोड़ लोगों को, कई बसों के माध्यम से 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने घर में पहुंचाया, उनको खाना दिया, पानी की बोतल दी। राज्य सरकारों ने रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए एसटियां दी, राज्य सरकारों ने उनके कैंप लगाए। जब तक ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हुई, तब तक शुरू नहीं की, तब तक भोजन कराने की व्यवस्था भी राज्य सरकारों ने की। इसके लिए 11,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने राज्य सरकारों को भी दिया। मगर जब ट्रेनें चालू हुई, तब एकमात्र बंगाल राज्य ऐसा था जिन्हें सबसे कम ट्रेन ली। अब तक 236 ट्रेनों के अंदर हमने 3 लाख लोगों को पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के लिए 1700 ट्रेनें चली है, बिहार के लिए 1500 ट्रेनें चली है। और मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब ममता जी ने ये प्रवासी मजदूर जो अपने माँ बाप और पत्नी और बच्चों को मिलने आ रहे थे, कोरोना संकट में अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, उनकी ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस नाम दिया। हमने उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया। ममता दीदी ने कोरोना एक्सप्रेस कहा। ममता दीदी, एक कोरोना एक्सप्रेस आपने जो कहा है, बंगाली श्रमिकों का, बंगाली मजदूरों का जो अपमान किया है, एक कोरोना एक्सप्रेस ही आपको बंगाल के बाहर एग्जिट करने का एक गेटवे बन जाएगी। तृणमूल कांग्रेस को बंगाल के बाहर पहुंचाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी बन जाएगी। ये मजदूर भूलेगा नहीं कि इसके संकट के समय में गांव पर नमक छिड़कने का काम आपने किया। मित्रों, मैं आज बंगाल की जनता को यह भी कहने आया हूं, यही बंगाल है जो एक समय पूरे देश को रास्ता दिखाता था। चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो, समाज सुधार की बात हो, धार्मिक आंदोलन हो, देश को आजाद करने की लड़ाई लड़नी हो, देश के कानून को व्यवस्थित करने की लड़ाई लड़नी हो, हर क्षेत्र के अंदर बंगाल देश का नेतृत्व तो करता था। एक जमाने में कहा जाता था, बंगाल जो आज सोचता है, देश 50 साल बाद वो सोचता है। आज बंगाल को क्या होगा, जिस बंगाल से आजादी के नारों का सूत्रपात होता था, जहां वंदे मातरम की रचना, जहां जनगण मन लिखा गया, वो आज बंगाल को क्या होगा, जहां शांति निकेतन का अस्तित्व है, एक नए प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की बात हुई, रामकृष्ण और विवेकानंद का एक हिंदू धर्म के पुनरोद्धार का आंदोलन चला, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, वो बंगाल को आज क्या हो गया है? जो बंगाल को सोनार बांग्ला कहते थे, वो बंगाल को आज क्या हो गया है? जहां रविंद्र संगीत की धुन सुनाई देती थी, गूंज सुनाई देती थी, वो बंगाल आज बम के धमाकों से दहल कर रह गया है। गोलियों की आवाज लोगों की चीखों से, हत्याओं से सुन्न रह गया है।